नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। फिगर दिया आपको 8.13 और आपको फाइंड आउट करना है 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले तो हम जो दो साइड दे रखी है 12 and 13 थर्ड फाइंड आउट करें। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 के दो टुकड़े 12 and 13 है ना, 12 + 13 25 और 25 का रूट 5 है ना, जो 5, 12, 13 की ट्रिपलेट बताई थी। तो उससे आपको सेम टाइम ध्यान में आना चाहिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, अदरवाइज फिर आप निकालोगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 square minus 12 square। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 13 + 12 × 13 - 12 यानी 13 + 12 × 13 - 12 यानी इक्वल टू 13 + 12 = 25, 13 - 1 × 13 - 12 = 1 यानी 25 हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर 25 है, तो क्यू आर इक्वल टू रूट 25 5। तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए 5 सेंटीमीटर आगे। अभी हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर। पहले 10p निकालो फिर और उसमें से कोट आर को माइनस करो, है ना। 10p क्या हमारा 10p, यहां से देखिए 10 थीटा, सामने वाला 5 डिवाइडेड बाय बाजू वाला 12, 5 अपॉन 12 एंड कोट आर क्या है 4r यहां से देखना है 5 upon 12 है ना, बाजू वाला अपॉन सामने वाला, यानी 10 का उल्टा। 10 होता तो 12 upon 5 होता 10r, लेकिन कोट आर 5 upon 12। सो 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर इक्वल टू 5 by 12 माइनस 5 by 12, 5 by 12 प्लस के, 5 by 12 माइनस के, कट के 0 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। होप समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।